चंडीगढ़ कॉरपोरेशन ने बहुत बढ़िया नई गाड़ियां खरीद ली हैं जिनमें सूखा कचरा और गीला कचरा अब अलग अलग कलेक्ट होके जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि ये एक कदम चंडीगढ़ को इंदौर के बराबर ले जाएगा और हम दोबारा से सिटी नंबर वन देश के हो जाएंगे। ये थोड़ी सी मेहनत होती है, जो ना की जाए तो वो डड्डू माजरा ही चंडीगढ़ की एक तस्वीर बन जाता है और वहाँ पे जब आग लगती है तो पूरे शहर में दुर्गंध आती है और पूरे शहर को सांस लेना दूभर हो जाता है। एक थोड़ा सा फ़ोन कॉल किया था हमने, एक ईमेल डाली थी, उसके जवाब में कॉरपोरेशन ने इतना पॉजिटिव स्टेप लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेयर साहबा का और एमसी कमिश्नर का कि उन्होंने ये रिस्पांस दिया जो पॉजिटिव रिस्पांस था और बहुत ही क्विक रिस्पांस था। ये सूखा कूड़ा जो है कूड़ा नहीं है, ये वेल्थ होता है जो पूरे इंदौर का ढेर सारा बजट उनके सूखे कूड़े के बूते पे जा रहा है। दुनिया के अमीर देश कूड़े से ही पावर बनाते हैं और उनका कूड़ा ख़त्म हो गया है तो अब वो कूड़ा इंपोर्ट करते हैं ताकि वो पावर बनाते रहें। तो आई एम हैप्पी दैट द वेल्थ दैट्स द गार्बेज इज बीइंग नाउ यूज्ड एंड इट्स नॉट बीइंग वेस्टेड। इट कैन बी वेस्टेड, इट कैन बी यूज्ड। इट्स अ पॉजिटिव यूज ऑफ द गार्बेज। द मेटिकुलस वे, जिस मेहनत से ये इकट्ठे किया जा रहा है, इसमें दो पल लगते हैं पर जिंदगी भर का सुख हो जाएगा इस सुंदर शहर को। भगवान आशीर्वाद दे इस लड़के को भी और इस नौजवान ड्राइवर को जो इस गाड़ी को चला रहे हैं। गॉड ब्लेस एमसी कॉरपोरेशन, गॉड ब्लेस दिस सिटी।